इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से दिखा रहे हैं। जिला यमुनानगर में गुंडागर्दी के चलते एक और बड़ा मामला बूटर पेट्रोल पंप से सामने आया है। जी हां, शिवपुरी बी निवासी गुरदीप पर 6-7 युवकों ने हमला बोल दिया। जी हां, रॉड और लोहे के पाइपों से पीट कर उसकी टांगे तोड़ दी, उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। और आज जो गुरदीप है वो जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। आरोपियों में से एक की पहचान रीति के रूप में हुई है। गांधीनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। स्मैक तस्करी की मुखबरी करने के शक में शिवपुरी बी निवासी गुरदीप पर 6-7 युवकों ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने कहा कि वह CIA में उनकी मुखबरी करता था और इसी मुखबरी के चलते उसे जमकर पीटा गया, रॉड से उसकी टांगे तोड़ दी। तमाम मामले की जानकारी के लिए जो गुरदीप है उससे भी बातचीत करेंगे। अपील है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पुलिस को सूचना देनी जरूरी। उन्होंने मेरे को कहा ही यही कि तूने हमारी मुखबरी करी है। अच्छा, हमारी मुखबरी करेगा है, टांगे तोड़ दो इसकी। अच्छा, इसी बात को लेकर आपको लगता है आपके ऊपर हमला किया? इसी बात को, क्योंकि तुमने पुलिस को मुखबरी दी है हमारी, इस बात के ऊपर मारते हुए यही बोल रहे थे वो, कर मुखबरी अब तेरे को आएगा सवाल और कर मुखबरी। यही बोल रहे थे कि कर मुखबरी, हमारी मुखबरी करेगा, कर ले। क्या नाम है आपका? गुरदीप दत्ता। तो ये क्या झगड़ा हुआ था, कहाँ पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा बूटर पंपे के पास। उन लड़कों को मना किया था कि भाई ये स्मैक स्मूक यहाँ गली में मत बेचा करो, भाई जाओ तो थोड़ा बाहर चले जाओ, आउटर में जहाँ पर खुले ग्राउंड हैं वहाँ करो, गली मोहल्ले में तो ना करो। भाई बाहर से लोग बाइकों पे आते हैं तेजी से, नशेड़ी आते हैं, घरों के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, वहीं खड़े होकर आधा आधा घंटा 20-20 मिनट वेट करते रहते हैं इनका, स्मैक वालों का। तो फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई यार आओ जरा, आप इन लोगों को मना करते हैं, मना करवाया। कितने जने ने तुसी जिड़ा मना कीता सी? हां ही, दो हो जने। तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇ ਅਧਰ ITI ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 7-8 ਜਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਆਪਕੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰੰਜਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਨੇ ਅਕੇਲੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ ਬੋਲੋ? ਉਹ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਾ ਹੀ ਯਹੀ ਕਿ ਤੂਨੇ ਹਮਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਤੋੜ ਦੋ ਇਸਕੀ। अच्छा, इसी बात को लेकर आपको लगता है आपके ऊपर हमला किया? इसी बात को, क्योंकि तुमने पुलिस को मुखबरी दी है हमारी, जब इस बात के ऊपर मारते हुए यही बोल रहे थे वो, कर मुखबरी अब तेरे को आएगा सवाल और कर मुखबरी। यही बोल रहे थे कि कर मुखबरी, हमारी मुखबरी करेगा, कर ले। सर, जो परसों रात को बूटर पेट्रोल पंप का जो झगड़ा हुआ था उसमें थोड़ा सा बताएंगे सर? जो बूटर पेट्रोल पंप पे जो झगड़ा हुआ था इनका दोनों का, ये दोनों ही जो जिसको चोट लगी है, ये लड़का और ये साथ ही इकट्ठे रहते थे और ये दोनों ही नशा भी करते दोनों ही। ये जिसको चोट लगी है, जो चोट मारने वाला है, इसका मामा, इसका मामा लगता है ये, जो इसको चोट लगी है। इनको कोई पैसे को लेन देन को लेकर भी इनका कुछ मैटर था। दूसरा, इस लड़के ने इसको ये डाउट था कि ये लड़का जिसको चोट लगी है, गुरुदेव दत्ता, इन्होंने कहा कि हमारी आप है ना स्मैक की जो हम नशा करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप CIA को देते हो। इसी बात को लेकर इनका मन मुटाव हुआ और उन्होंने बूटर पेट्रोल पंप के पास जो सरिये हैं, राड हैं, उनसे इस पर हमला किया है। इसकी टांगों पर काफ़ी चोटें हैं, शायद टांगें टूटी हुई भी हैं इसकी, अभी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। और जो इस रिगार्डिंग हमने दो लड़कों को कल ही राउंड अप कर लिया, जिसमें जो मुख्य आरोपी है उसको भी, और एक हमने इसमें ऋतिक है उसको अरेस्ट किया है, एक है बलराम उर्फ संजू, दो को हमने अरेस्ट किया है, बाकी दो तीन आदमियों का नाम और सामने है, उनको भी हम नाम क्लियर हो गया, उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार इसमें कर लेंगे। ये सर मुख्य दोषी कहाँ का रहने वाला है? ये जो मुख्य दोषी है ये है अपना हरबंशपुरा का ही है लड़का ये, और ये रिश्ते में जो इसको चोट लगी है इसका भांजा लगता है ये, जो जिसने चोटें मारी हैं, और हरबंशपुरा का रहने वाला है। ये दोनों जो हमने दो अरेस्ट किए वो दोनों हरबंशपुरा के हैं। तो सर आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई की है? अभी हमने इसमें 148, 169, 323, 325 और 506 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको दो को कल ही हमने इनको राउंड अप कर लिया था, कल ही इनकी गिरफ्तारी डाली है। आज इनको माननीय कोर्ट में पेश करेंगे,
और जो बाकी बकाया आरोपी है उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे।